अब बात करते हैं इंदौर की, जहां निकाय चुनाव के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेगा शो किया है। भाजपा मेयर प्रत्याशी के पक्ष में एक माहौल बनाने आए सीएम 8 घंटे में 8 विधानसभा घूमे हैं। रोड शो के दौरान वे अलग अलग इलाकों में अलग अलग गाड़ियों में सवार हुए हैं। इस दौरान वो एक ब्लैक कलर की वॉल्वो कार में भी सवार हुए हैं। हालांकि अब उस कार को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह कार एक कांग्रेसी की है, जिसे एक भाजपाई ने अपने कांग्रेसी दोस्त से मांगी थी। अब इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कस दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव और पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने इंदौर की सड़कों पर घूमे थे। एमपीसीसी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने खुलासा करते हुए बताया कि भाजपा की आपसी गुटबाजी के चलते भाजपा के मेयर प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करने सीएम शिवराज सिंह चौहान आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के जिम्मेदार नेता उनके लिए गाड़ी तक उपलब्ध नहीं करा सके हैं। हैरान परेशान संगठन के नेताओं ने थक हार कर एक कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष अनमोल शर्मा से रोड शो के लिए गाड़ी मांगी है। इंदौर में शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कांग्रेस संस्कृति एवं इंदौर की परंपराओं का पालन करते हुए भाजपा की मदद की है। चुनावी युद्ध के मैदान में ऐसी नैतिकता एक कांग्रेसी ही दिखा सकता है। प्रदेश सचिव के मुताबिक अनमोल शर्मा इंदौर शहर के कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस ब्लैक कलर की वॉल्वो कार में घूमे हैं, वह अनमोल शर्मा की बताई जा रही है। यादव का कहना है कि एक भाजपा नेता ने अनमोल शर्मा से चर्चा की थी और गाड़ी मांगी थी। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी पूरे समय रोड शो में शामिल रही। बताया यह भी जा रहा है कि रोड शो खत्म होने के बाद सीएम इसी गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए भी रवाना हुए थे। ये बात सामने आ रही है कि अनमोल के दोस्त हिमांशु अत्रिवाल गाड़ी लेकर गए थे। इस मामले में अनमोल शर्मा से चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। कांग्रेस ने हमेशा ही अतिथि देवो भव का पालन करती आई है। यह आश्चर्य की बात है कि भाजपा नेताओं के घरों के सामने 1-1 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन किसी ने उन्हें गाड़ी नहीं दी। मजबूरी में भाजपा को कांग्रेस नेता के पास आना पड़ा। कांग्रेस नेता की गाड़ी, कांग्रेस नेता का डीजल, उसके बाद भी सीएम कांग्रेस की बुराई उसी गाड़ी पर खड़े होकर कर रहे थे। नैतिकता के नाते उन्हें सोचना चाहिए कि कांग्रेसी कैसे हैं। कल मुख्यमंत्री का इंदौर में रोड शो हुआ, उस रोड शो के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने उनको वाहन उपलब्ध नहीं करा। हालात तो यहां तक होगा कि कांग्रेस के नेता से उनको वाहन मांगना पड़ा और उसमें बैठकर मुख्यमंत्री ने रोड शो करा। कांग्रेस हमेशा से अतिथि देवो भव का पालन करती है। हमारे महापौर उम्मीदवार है संजय शुक्ला जी, उन सभी से अच्छा व्यवहार करते हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों के सामने 1-1 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन किसी ने भी एक गाड़ी भी उनको अपने रोड शो के लिए नहीं दी। मजबूर में उनको कांग्रेस नेता के पास जाना पड़ा और वहां से वो गाड़ी उनको मिली।